भारतीय जनता पार्टी 5 साल सरकार में रही और मैडम वसुंधरा ने अफसरों और नौकरशाही के बीच में फंसकर कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं किया। आखिरी समय जब चुनाव सर पे आ गए तब कार्यकर्ताओं की याद आई। ये भी एक भारतीय जनता पार्टी जैसे एग्जिट पोल बता रहे हैं, अगर सरकार नहीं बनती है तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा कारण रहेगा। युवा है उसके मन में ये आने लग गया है कि फाइनली हमारी रोटी हमें कमानी है, सरकार हमारे लिए कुछ करने नहीं वाली है। सरकार को करना क्या है, वो पॉलिसीज लेकर आनी है जिससे बिल्कुल जो निम्न तबके का इंसान है, जो बिल्कुल गरीब से गरीब है, BPL लेवल के नीचे का है, उसको फायदा होना है। मिडिल क्लास की चटनी बननी है तो बननी है। पता है, ये चापलूसों को जब टीम में भर्ती कर लेते हैं तब सारे अरमानों पे पानी फिरता है, तब जनता थू-थू करती है, त्राहिमा मचाती है और अल्टीमेटली उसका परिणाम, उसका दंड उस राजनीतिक दल को भुगतना पड़ता है। तो मीडिया हाउस राजस्थान में 7 दिसंबर को राजस्थान में मतदान खत्म हो चुके हैं। मतदान जैसे ही खत्म हुए तो टीवी चैनलों ने चीख चीख कर आपको बहुत कुछ बताना शुरू कर दिया, वो तक बताना शुरू कर दिया जो आप नहीं सुनना चाहते थे। कुछ लोग जो सुनना चाहते थे उनके लिए मसाला मिल गया। इसके बीच जो मुख्य बातें हैं उनसे कहीं ना कहीं ध्यान हटा दिया गया। चार लोगों के साथ एक एंकर बैठ के टीवी चैनलों में चीखने लग गए और आपका ध्यान उन मुद्दों से हटा दिया गया जो अहम मुद्दे थे। आज हम भी कुछ लोगों के साथ बैठे हैं, मैं चीख नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बातें नहीं करेंगे, हम बातें करेंगे। हमारे साथ कुछ गेस्ट मौजूद हैं जो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, वो हमें चुनावों से जुड़े, युवाओं से जुड़े, मतदान से जुड़े कई सारे सवालों के जवाब देंगे, वो सवाल जो आप जानना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा देता हूँ। आप हैं श्री पवन जी, एडिशनल SP सेवाएं दे चुके हैं बूंदी में। SR खिलजी, आप सलीम भाई भी कह सकते हैं, जाबाज पत्रिका जो दैनिक अखबार है उसके संपादक हैं, हाड़ौती में पत्रकारिता के क्षेत्र में एक जाना माना नाम। निधि प्रजापति हैं आप, SHE संस्था है उसके फाउंडर हैं और नेशनल यूथ अवार्डी हैं। ये लोग अपने अपने क्षेत्र में माहिर हैं, जनता से जुड़ाव रखते हैं, जनता के मुद्दे जानते हैं और उन पे अपना व्यू प्रकट करने के लिए, अपना व्यू बताने के लिए हमारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल मैं लूँगा सलीम जी आपसे, कल से जब से मतदान हुए तो लगातार टीवी चैनल्स में अलग अलग एग्जिट पोल आ रहे हैं, कोई कांग्रेस की सरकार बना रहा है, कोई BJP की सरकार बना रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये मतदाता के साथ धोखा है, टीवी चैनलों के न्यूज़ रूम में बैठ के सरकारें बनाई जा रही हैं? बहुत बड़ा धोखा है और आंकड़ों की बाजीगिरी है, ये आज से नहीं है। पत्रकारिता का जो हास इस लोकतंत्र में हुआ है, सबसे ज़्यादा तकलीफ मैं महसूस करता हूँ कि जिस तरह के आंकड़े कुछ लोगों से लेकर उनको परोसा जाता है, आंकड़े सत्य भी होते हैं, आंकड़े असत्य भी होते हैं, लेकिन एक परिपाटी सी बन गई है कि मतदान होता है, मतदान होने के तुरंत बाद आंकड़े बताने का खेल शुरू होता है और सरकारें बना दी जाती हैं। ये प्रजातंत्र में मतदाताओं को बहुत बड़ा। अच्छा, क्या लगता है आपको कि कितने सारे ऐसे न्यूज़ चैनल्स होंगे जिन्होंने उस इंसान से कांटेक्ट किया होगा जो बूथ से वोट निकल कर आ रहा है? क्या ये कितनी ज़मीनी सर्वे है? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानता, ये पहले ही एडवांस में ले लिए जाते हैं और कुछ मतदाताओं से बात करने के बाद में सरकारों की भविष्यवाणी की कर दी जाती है। तो ये न्यूज़ रूम में बैठ के बनाए गए आंकड़े हैं? हाँ, हम अखबार वाले, हम भी डेस्क न्यूज़ बनाते हैं बैठ के, ऐसे ही न्यूज़ रूम में ये भी इनकी स्टोरियाँ तैयार कर लेते हैं। फील्ड में कम काम होता है, अगर फील्ड में काम हुआ होता तो जनता के उन सवालों पर गौर करना चाहिए था। जब जनता ने सवाल किया कि विकास के मुद्दे की बात करी उसने, न राम मंदिर की बात करी, न किसी दूसरे वर्ग विशेष की बात करी, लेकिन उसने बात की है तो सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करी है, ना वो किसी जुमलेबाजी में आई। और यही परिणति है कि खामोश मतदान हुआ, मतदाता खामोश था और उसने खामोश मतदान किया। इसके नतीजे मैं समझता हूँ 11 दिसंबर को बहुत अच्छे आएंगे। पवन जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, चैनलों ने पहले ही सरकार बना दी, मतदाता को ये परखने का मौका ही नहीं दिया कि हम 11 तारीख का इंतज़ार करें। एक्चुअली ये मीडिया का व्यावसायिक पक्ष है। अभी 2 दिन बाकी हैं 11 में, ये 2 दिन कैसे पास किए जाएं, दर्शक को कैसे अपने साथ में रखा जाए, इंटरेक्ट बनाए रखें, तो वो उनका प्रयास है। इसको हमें बहुत नेगेटिव भी नहीं देखना चाहिए, कोई कैसे रोटी कमा के खाता है,
उस पर हम क्यों टिप्पणी करें? हमें क्या नैतिक अधिकार है कि हम किसी की रोटी के ऊपर कि ये ऐसे कमा के खा रहा है, वो बेचारा कमा के खा रहा है, खाने खाने दिया जाए। टीआरपी बढ़ रही, क्या कह रहे हैं आप? न्यूज चैनलों की टीआरपी बढ़ रही है, और पूरा दिन टक टक लगा के न्यूज चैनल देख रहे हैं कि किसकी सरकार बनने वाली है। जो बता रहे हैं टीवी चैनल्स, एग्जिट पोल्स, सट्टा बाजार, उन्हीं की सरकार बनने जा रही है। अच्छा। लेकिन इस तमाम तमाशे के पीछे न्यूज चैनल अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हैं, और इस टीआरपी बढ़ाने के मतलब क्या होते हैं आप समझते हो? जी, जब बात पोल पे आई है, मतदान के दूसरे दिन ये चर्चा भी होनी चाहिए कि मतदान कैसा हुआ, कितना हुआ, युवाओं ने कैसा इसमें सहयोग किया। इसमें अच्छी खासी जानकारी रखती है निधि, आपने मतदान के लिए प्रोत्साहित भी किया, कैंडल मार्च निकाला। क्या लगता है आपको, पिछले विधानसभा चुनावों में और इस लोकसभा चुनावों में जो वोटिंग परसेंटेज है, वो घटा है, बढ़ा है, कैसा है वो? देखिए, अगर हम लोग कोटा की बात करते हैं तो कोटा में वोटिंग परसेंटेज लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग घट गया है। अब सारी ही विधानसभा देख लीजिए, सभी विधानसभाओं में घट गया है। कुछ विधानसभाओं में तो 3-3% तक का घटाव आया है। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि जो राजनीतिक पार्टियां रहीं, उन राजनीतिक पार्टियों का अपना कोई एथिक्स नहीं रहे, कोई मॉरल नहीं रहे, कोई सिद्धांत नहीं रहे। जिसकी मर्जी आई वो उस वक्त अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चला गया, चाहे वो कांग्रेस से बीजेपी में जाना हो, चाहे बीजेपी से कांग्रेस में आना हो। आज से अगर हम लोग 20 दिन पहले के आंकड़े उठा के देखेंगे तो हजारों लोग अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे थे, एक साथ अपनी पार्टी से इस्तीफे दे रहे थे, एक ही पार्टी से 3-3, 4-4 लोग निर्दलीय खड़े हो गए। तो लोगों का पार्टी में से विश्वास उठ गया, और धीरे धीरे आप इस बार देखिएगा, इस बार नोटा का परसेंटेज बढ़ा हुआ आएगा लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, क्योंकि अब जनता के अंदर जो बेसिकली युवा है उसके मन में ये आने लग गया है कि फाइनली हमारी रोटी हमें कमानी है, सरकार हमारे लिए कुछ करने नहीं वाली है। सरकार को करना क्या है, वो पॉलिसीज लेकर आनी है जिससे बिल्कुल जो निम्न तबके का इंसान है, जो बिल्कुल गरीब से गरीब है, बीपीएल लेवल के नीचे का है, उसको फायदा होना है। मिडिल क्लास की चटनी बननी है तो बननी है, हमें तो अपनी रोटी कमानी है और खानी है, तो हम लोग वोट देके करें क्या? इसीलिए इस बार वोटिंग परसेंटेज कम हो गया है। स्पेशली हम लोग हाड़ौती की बात करें, हाड़ौती की सारी ही विधानसभाओं में वोटिंग परसेंटेज कम, तो मतलब सरकार के प्रति असंतोष, प्रत्याशियों का सही तरीके से चयन ना होना, ये बहुत बड़ा इफेक्ट, एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है युवाओं के साथ, क्योंकि युवाओं के लिए दोनों ही सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में कुछ नहीं दिया है। पिछले साल जब पिछली बार इलेक्शन हुए थे तब बीजेपी के मैनिफेस्टो में 15 लाख जॉब देने का था, 15 लाख जॉब, इस बार वो घट के 2.5 लाख पे आ गया। क्यों? क्योंकि उनको अपनी सच्चाई समझ में आई कि हम लोग पिछले साल अपनी सरकार के टेनवर में 15 लाख जॉब दे ही नहीं पाए, 2 लाख का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाए जॉब देने के लिए। तो इस बार ठीक है, युवाओं को बेवकूफ बनाने के लिए, मस्का लगाने के लिए 2.5 लाख बोल दिया जाता है, तो इसी वजह से वोटिंग परसेंटेज कम हो गई, क्योंकि सरकारें जो है वो अपने वादों पे खरी नहीं उतरी। दूसरी चीज आप ये देखेंगे कि वोटिंग परसेंटेज उन एरियाज में घटा है जहां की पॉपुलेशन ज्यादा एजुकेटेड है। ये चिंता का मतलब शिक्षित, ये बहुत बिल्कुल, आप गांव का परसेंटेज देख लीजिए, लाड़पुरा में सबसे ज्यादा परसेंट वोटिंग क्यों हुई है, क्योंकि लाड़पुरा क्षेत्र में ज्यादातर ग्रामीण इलाके आते हैं, वहाँ पे परसेंटेज हाई है, तो वहाँ के लोगों को कन्विंस करना इजी रहता है। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको सब चीज़ समझ में आती है कि किस तरीके से हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियाँ हो रही है, कभी इसके प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, कभी उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, तो इससे किया क्या जा रहा है, सिर्फ लोगों की मानसिकता को परिवर्तित करने की कोशिश की जा रही है। युवा को मालूम है, ये सिर्फ 5 साल में चुनाव से 20 दिन पहले का एक मेला लगा है, जिसमें सब एक बहुत बड़ा बाजार है, जिसके अंदर अब सब कोई अपने आप को बेचने के लिए आया है। खरीदना वोटर को है, वोटर नहीं खरीदा गया, इसलिए वोटिंग परसेंटेज कम रह गया। निधि का कहना है कि वोटिंग परसेंटेज इसलिए कम हो गया क्योंकि सरकारों ने अपने पिछले वादे पूरे नहीं किए, तो जनता को इस बार भी लग रहा है कि इस बार भी हम वोट दे के इनको बैठा देंगे तो ये फिर से अपने वादे नहीं पूरे करे, तो इससे अच्छा है वोट ही मत डालो। सर, आपसे मैं सवाल चाहूँगा, एक जवाब चाहूँगा कि जैसे ही ये इलेक्शन स्टार्ट हुआ, कैंपेनिंग शुरू हुई, राहुल गांधी ने अपना गोत्र बता दिया, प्रधानमंत्री अपनी माँ को लेके बीच में आ गए, राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं, पूरा चुनाव गोत्र, हिंदू मुस्लिम, मंदिर, ब्रह्मा मंदिर, पुष्कर जा रहे हैं, इनमें उलझ के रह गया, मुद्दों की बात किसने की, और क्या ये सही है कि मुद्दों की बात ना हो? नहीं, हमारे मतदाता ने मुद्दों को इग्नोर करने का जवाब इस चुनाव में दिया है।
हमारा जो कॉमन वाटर है, जो बहुत ज़्यादा शिक्षित भी नहीं है, वो भी अपने जीवन को बेहतर बनाने की आशा सरकारों से करता है, सभी राजनीतिक दलों से करता है। जब उन्होंने देखा कि दल तो दलदल में धस चुके हैं और जातियों की राजनीति हो रही है, आपका पूरा मीडिया, चाहे इंग्लिश मीडिया हो, हिंदी मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रिंट हो, कुछ चीज़ें सर्वव्यापी थी, निष्कर्ष बड़ी बड़ी हेडलाइन निकल के आ रही थी कि इस बार का चुनाव राजनीतिक दलों का चुनाव है ही नहीं, कोई दल चुनाव नहीं लड़ रहा है, सिर्फ जातियां चुनाव लड़ रही हैं। तो दल जातियों के धुंध में कहीं खो गए, ऐसे भ्रमित राजनीतिक माहौल में मतदाता क्या कर सकता था, कितनी आत्मा दुखी होगी, कितना परेशान हुआ होगा वो, उसकी एक परेशानी तो कम मतदान प्रतिशत में जाहिर हो ही गई। इसके अलावा ऐसे माहौल में आम मतदाता भयभीत भी हो गए। भयभीत का एक बड़ा सटीक उदाहरण आज का ही मैं आपको दे रहा हूँ। हमारी गली में जो सफाई करने भाई जी आती हैं, हमारे श्रीमती जी ने स्वाभाविक रूप से उनसे पूछ लिया, भाई जी वोट डाल दिया? तो उन्होंने कहा हाँ डाल दिया। उन्होंने सीधे पूछ लिया किसको डाला, तो वो धीरे से नज़दीक आई, घूंघट के आड़ में धीमे से फुसफुसा के उसने उस पार्टी का नाम बता दिया जिसको उसने दिया था, लेकिन धीरे से बताया, जैसे कोई अगर कहीं जोर से बोल गई तो कोई उसको पकड़ के हवालात में डाल देगा। मतदाता का भय कितना, किस सीमा का है, ये प्रमाण इस सफिशियंट है समझने के लिए। तो इस वजह से ये जो गोत्र की राजनीति है, हिंदू मुस्लिम, ये हावी हो जाती है मतदाता के ऊपर। बिल्कुल, दरअसल क्या है, हम भारत के लोग बहुत ज़्यादा आस्थावान हैं, हम तर्क और बुद्धि पर कम विश्वास और आस्था में ज़्यादा विश्वास करते हैं। पुलिस ऑफिसर होने के नाते इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की मौत भीड़ में हो जाना, भीड़ तंत्र में हो जाना, इस प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, और उस प्रश्न चिन्ह का जवाब देने की जिम्मेदारी हम सब की है। मैं आपको भी बधाई दूंगा कि आपने आज ये आयोजन रखा जी। इस सब में हमें उस भीड़तंत्र और प्रजातंत्र की का जो एक संघर्ष शुरू हो गया इस देश में, उसका जवाब खोजना हो। एक टाइम ऐसा आएगा जब हम विकास के मुद्दों पे चुनाव वोट देंगे और पार्टियां विकास के मुद्दों पे चुनाव। बेशक ये वो दिन आने वाला है, वो समय आने वाला है। मैं समझता हूँ 2019 में जब आम चुनाव होंगे तो जो लोग तुष्टिकरण की बात करते हैं, जो लोग सांप्रदायिक की बात करते हैं, जो लोग जात पात की बात करते हैं, उनको सिद्धांतों की, मुद्दों की, विकास की राजनीति पर आना ही पड़ेगा, ये मेरा व्यक्तिगत विश्वास है। निधि, आपसे जानना चाहूँगा मैं कि बहुत सारी युवाओं को भी देखा जाता है कि सोशल मीडिया में पोस्ट डाल रहे हैं, कभी राम मंदिर की बात कर रहे हैं, कभी मस्जिद की बात कर रहे हैं, कभी गोत्र की बात कर रहे हैं, तो युवा ही नहीं बच पा रहे इससे। परंपरागत लोग तो ठीक है, वो प्रभावित हैं, लेकिन युवा ही नहीं बच पा रहे इससे। देखो, युवा इसलिए नहीं बच पा रहे क्योंकि युवा भी कहीं ना कहीं कॉलेज में जाता है, कॉलेज में उसका राजनीति से सीधे सीधे इंटरेक्ट होता है। जब राजनीति से उसका कॉलेज में इंटरेक्ट होता है, वो सोचता है कहीं ना कहीं मैं भी पार्टी में जाऊंगा, किसी ना किसी पार्टी को ज्वाइन करूंगा। तो जब वो इन चीज़ों में आता है तो उसको लगता है कि अगर मैं बीजेपी ज्वाइन करता हूं तो मुझे धर्म के बारे में बोलना है, हिंदुत्व के बारे में बोलना है, अगर मैं राम का नाम नहीं लूँगा, हनुमान का नाम नहीं लूँगा तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरी बात, जो दूसरे धर्मों से बिलोंग करते हैं वो ये सोचते हैं कि अगर हम लोग किसी पार्टी में जाके धर्म का नाम ले लेते हैं तो हमारा क्या जाता है, कहीं ना कहीं हम लोग स्टैंड कर जाएंगे राजनीति में जाके। इसलिए सोशल मीडिया पे युवा जो हो रहा है वो दिग्भ्रमित हो रहा है, जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी पोस्ट से आप देखेंगे तो उसमें शेयरिंग ज़्यादा है, उनके वो खुद के विचार नहीं हैं, उनके पर वो विचार थोपे जा रहे हैं। आज से कुछ महीनों पहले कोटा के अंदर एक सोशल मीडिया मीट हुआ था जिसके अंदर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, उन्होंने युवाओं को बताया गया है राजस्थान में फ्री में सिम बांटे गए हैं, फ्री में सेल फोन्स बांटे। उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ भी शेयर करो अच्छा हो गलत। हाँ, तो अब आप मान लीजिए कि जब मैंने आपको फ्री में मोबाइल फोन दे दिया और सिम दे दिया, आपको बोल दिया कि आपकी जो इच्छा हो वो सर्कुलेट कीजिए, आप मेरे अगेंस्ट में तो कुछ नहीं करेंगे ना। एक ना कहीं ना कहीं माइंड में मॉरल आ जाता है कि एक ईमानदारी आ जाएगी, यार फ्री में फोन तो इसने ही ने दिया था, इसके बुराई करने से फायदा क्या है, हमारा तो फायदा ही है ना। अगर हम लोग इसकी बढ़ाई कर देते हैं, हमें तो फ्री में सब कुछ मिल रही है। तो हुआ क्या है कि युवाओं को
फ्री सिम, फ्री मोबाइल, डिजिटलाइजेशन के नाम पे दिग्भ्रमित कर दिया। आज युवा सबसे ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कहाँ करता है? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे कितना परसेंट कंटेंट पॉजिटिव है, कितना परसेंट नेगेटिव है, ये आप खुद एनालाइज करके अभी दो मिनट सोशल मीडिया। ये पार्टियां डिसाइड करने लग गई हैं कि ये युवा क्या शेयर करे, ये युवा क्या शेयर करे, ये पार्टियां डिसाइड कर रही हैं, इस वजह से भ्रमित हो जाते हैं। ये तो हो गई प्रदेश की बात। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, हाड़ौती जो राजस्थान की राजनीति में एक बहुत बड़ी भूमिका रखता है, हमेशा से बीजेपी का गढ़ कहा जाता रहा है, इस बार सबसे आसान और सबसे फाइट वाली सीट आप किसको देखते हैं? झालरापाटन। सबसे आसान है सबसे फाइट वाली? फाइट वाली। उसे तो सबसे आसान कहा जा रहा है कि वसुंधरा जी हैं जीत जाएंगी। इस बार समीकरण बदले हैं, जो वसुंधरा जी का वोट बैंक था वो किसका है, इस बार उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी है। और अदर सीटों पर कांग्रेस के बीच भाजपा के बीच मुकाबले रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ कहूँगा कि 2013-18 में नहीं दोहराया जाएगा। दोनों ही दल बहुत कई अधिकांश सीटों पर कांटे में फंसे हुए हैं, कांटे के मुकाबले में फंसे हुए हैं। हो सकता है कि 17 सीटों में 10-7 का रेशियो रह जाए। तो मतलब कांग्रेस ने सही कैंडिडेट उतारा झालरापाटन में? ये राजनीतिक समीकरण होते हैं, किसको कहाँ घेरना है। कांग्रेस ने वहाँ मनमोहन सिंह को घेर लड़ाया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने सचिन पायलट के खिलाफ यूनुस खान को शहीद कर दिया, जबकि ये था कि बीजेपी में किसी अल्पसंख्यकों को टिकट नहीं देना है, लेकिन आखिरी मोमेंट पर मैडम के दबाव में यूनुस खान को टोंक लाकर शहीद कर दिया। तो मतलब शहादत बराबर है दोनों पार्टियों में? दोनों पार्टियों में शहादत बराबर है। अच्छा, कारण एक ये भी है ना कि जाति के अगेंस्ट में वो लोग जाति लेकर आ रहे हैं। झालरापाटन में राजपूत के अगेंस्ट में वो लोग राजपूत ले आए। तुम दलित तो हम महादलित। वही बात हो गई है। दूसरी बात, अगर टोंक से हमारे सामने सचिन पायलट जी थे, क्योंकि वहाँ पे गुर्जर बाहुल्य है, उन्होंने सोच लिया कि वहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य भी है, तो बोले कुछ नहीं तो यूनुस खान को लड़ा दो। वहाँ पे यूनुस खान को इसलिए भेज दिया गया जबकि वो उनका क्षेत्र नहीं है, मुसलमान है, तो यूनुस को वोट मिलेंगे। ठीक है सर, रामगंज मंडी और केशवरायपाटन की सीट के बारे में आपका क्या एनालिसिस है? क्योंकि केशवरायपाटन में कैंडिडेट चेंज हुआ है, रामगंज मंडी में भी कैंडिडेट चेंज हुआ है। जो चंद्रकांता मेघवाल रामगंज मंडी की थी, उन्हें केशवरायपाटन शिफ्ट कर दिया गया। एक एक करके बात करें, पहले केशवरायपाटन की बात करते हैं। केशवरायपाटन में कोई आश्चर्य नहीं है कि दोनों दल अचंभित भी रह जाएं कि ये क्या हो गया, ऐसा होगा या नहीं होगा। ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है जी। इसके लिए उस प्रत्याशी ने जिसको टिकट देके छीन लिया गया जी जान लगा दिया, उनकी रैलियां और उनका जनसंपर्क जिस ताकत के साथ दिखाया गया है सोशल मीडिया पर, आपने भी देखा होगा, उससे एक बार को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये बंदा दोनों ही दलों को शिकस्त दे सकता है, आईना दिखा सकता है। एक संभावना तो ये बन रही, एक दूसरी संभावना बड़ी भयानक बन रही है। उसका विश्लेषण जो अच्छे बुद्धिमान बुद्धिजीवी राजनीतिक विश्लेषक हैं वो लोग भी कर रहे हैं, जैसा पूरे मीडिया में प्रचारित था कि ये राजनीतिक दलों का चुनाव नहीं है, ये जातियों का चुनाव है। तो एक बहुत ही भयानक बात इसमें यह भी आई है कि एससी में, वो एससी की सीट है कि एससी में अनेक जातियां आती हैं, लेकिन पर्टिकुलरली अब तक कॉबलर कम्युनिटी जो है उसका जज्बा रहा है, चमड़े से जुड़ी हुई जो भी जातियां हैं उन्हीं का कब्जा रहा है। तो इस बार वो आपस में इस तरह से लायजन किया गया कि मुझे लगता है कि या तो वो पहली वाली संभावना कि दोनों दलों को वो आईना दिखा दें, और नहीं तो कम से कम अपने ही पार्टी के व्यक्ति को हरवा कर बहन से भाईचारा निभा दें, क्योंकि दोनों एक ही कम्युनिटी के हैं। मतलब माने ये प्रूव हो जाएगा कि ये राजनीतिक दलों का चुनाव नहीं है, वाकई जातियों का चुनाव है। टिकट छीन लेने का बदला भी लिया जा सकता है, टिकट छीन लेने का बदला भी चुक जाएगा, और समाज में बहन को निभा दिया ये भी वो कह पाएंगे। आपके इलाके की बेटी हूँ, ये नारा चंद्रकांत जी का रहा है वहाँ पर, हो सकता है ये
सहानुभूति की लहर उनके साथ बन जाए, जैसा ये नारा तो रामगंज में भी दिया था पिछले। हाँ, यहाँ मैं एक नई बात कहना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने, वो मैडम वसुंधरा जी ने, वो पार्टी आला कमान ने, भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने एक बहुत बड़ा जुआ खेला, मैं इसको जुआ कहूँगा। तो उन्होंने रामगंज मंडी से जो कैंडिडेट था, मौजूदा विधायक था, उसको केशवराय पाटन पटक दिया। केशवराय पाटन को जो MLA मिनिस्टर थे उनको अट्रू बाना पटक दिया, और बाना अट्रू बाना से हमेशा लड़ने वाले मदन दिलावर को रामगंज मंडी पटक दिया। ये तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी, मेरा व्यक्तिगत एनालिसिस और अनुमान है कि खतरे में डाल दी कैंडिडेट चेंज करके। अगर मौजूदा विधायक जहाँ से चुनाव लड़ते हो सकता फाइट ठीक रहती, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि तीनों ही कैंडिडेट जो हैं ये खतरे से खाली नहीं है। क्या कहते हैं? मैं ये इस बात पे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये खतरा तो उठाया ही है, जुआ खेलना जिसे कहें, पर जुआ में आदमी जीतता भी है। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ये जो शिफ्टिंग किया है इसका लाभ उस पार्टी को मिले जिसने शिफ्ट किया। नुकसान भी तो हो सकता है। बिल्कुल, जुआ दोनों संभावनाएं हैं, लेकिन अभी जो पर्टिकुलर केशवराय पाटन की बात हम कर रहे हैं तो वहाँ पे शिफ्टिंग करने वाली पार्टी लाभ में भी रह सकती है, इसकी भी युक्त संभावनाएं बराबर बन रही हैं। आपका कहना है कि एक विधायक अगर उसी सीट से लड़े तो बेहतर होता जिसमें उसने 5 साल काम किया है। बिल्कुल, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये जो फैक्टर श्रीमान ने बताया इस पर तो मैं सभी राजनीतिक दलों को एक लेसन देना चाहूँगा, नॉट ओनली BJP, कांग्रेस, कोई राजनीतिक दल हो, कि वो अब जो पूरे 5 साल न केवल एक क्षेत्र में काम करता है बल्कि उस दल के लिए काम करता है। पंकज मेहता जी की आत्मा से पूछ लिया जाए कि जब पूरा बाल उड़ाने के बाद भी वो दल वापस आपको उतना सा भी हक न दे तो क्या बीतती होगी दिल पर, सिवाय आंसू बहाने के। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी राजनीतिक दलों को जो खून पसीना एक करने वाले जो कार्यकर्ता हैं उनका कौन सम्मान करता है? ये तो जब दल नहीं सोचते तो उन कार्यकर्ताओं को भी सोचना चाहिए कि तुम सिर्फ पसीना बहाने के लिए आए हो, मिलने वाला कुछ नहीं। यहाँ मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कांग्रेस संगठन की बात करते हुए कि कांग्रेस ने जब अपने कार्यकर्ताओं का मान सम्मान खो दिया तो आज उसकी राजनीतिक मनोदशा आप सबके सामने है, पूरे देश में बिगड़ गई। तो जो भी संगठन अपने कार्यकर्ताओं का मान सम्मान खो देगा तो मैं समझता हूँ जनता भी उन पर कोई भरोसा नहीं करेगी। तो इस चुनावों में ये सबसे बड़ा फैक्टर, ये भी फैक्टर रहा है। भारतीय जनता पार्टी 5 साल सरकार में रही और मैडम वसुंधरा ने अफसरों और नौकरशाही के बीच में फंसकर कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं किया। आखिरी समय जब चुनाव सर पे आ गए तब कार्यकर्ताओं की याद आई। ये भी एक भारतीय जनता पार्टी जैसे एग्जिट पोल बता रहे हैं, अगर सरकार नहीं बनती है तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा कारण रहेगा। इजराज सिंह जी अपनी महारानी के साथ एक दिन पहले BJP में शामिल हो गए, अगर उनको कांग्रेस लाड़पुरा से टिकट देती तो क्या वो चेंज करते फिर? मतलब टिकट ना मिलना पार्टी छोड़ने की सबसे बड़ी वजह रही, मानते हैं आप इसको? नहीं, दरअसल ये जो इशू आपने टिकट ना मिलने पर पार्टी छोड़ देना, 1947 से लेकर आज तक अनेक बार हुआ है, बहुत उदाहरण मिलेंगे ऐसे और हर दल में मिलेंगे। तो इन राजनीतिक दलों को दलदल इसीलिए तो कहा जाता है कि किसी एक, चूंकि हमारे यहाँ अभी ताज़ा हुआ कि दोनों ही दलों के 2 महारथी एकदम क्रॉस करके आमने सामने ही आ गए, तो कोटा वाले और हड़ौती वालों को बड़ा अचंभित लग रहा है। लेकिन इसको राष्ट्रव्यापी लेवल से देखें तो हर प्रदेश में, हर जगह, हर चुनाव में ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे। दरअसल राजनीति जो है वो एक व्यवसाय है, ये हमारे देश के लोग खूब अच्छी तरह जानते हैं, खासतौर से वो मतदाता अच्छी तरह से जानते हैं जिन्होंने इस बार वोट नहीं डाले और परसेंटेज नीचे चला गया। तो व्यवसाय में तो कि मेरी दुकान यहाँ ठीक से नहीं चल रही है तो कोई बात नहीं, आज वो आइटम बिक रहा है मैं वो दुकान खोल लेता हूँ। ऐसा पूरे 50-60 सालों में जब से देश आज़ाद हुआ अनेक बार अनेक लोगों ने इस चीज़ को पेश किया, फिर भी हम इतने भोले हैं कि इसको आज जैसे अभी ताज़ा उदाहरण हमें याद है, अगली बार फिर वो जय जयकार उनका उस पार्टी में, जय जयकार इनका इस पार्टी में, जय जयकार होता ही रहेगा। तो क्या लाड़पुरा से BJP मजबूत हो गई इससे या कांग्रेस कमजोर हो गई? नहीं, मेरे ख्याल से
मतदान तो जो उस विधानसभा क्षेत्र का कल्चर है, हर हर विधानसभा क्षेत्र का अपना एक डीएनए, उसका एक सामाजिक इक्वेशन है, उसी पे होना है। इनके इससे कोई खास फर्क पड़ जाएगा बड़ा मुश्किल है। ये जो क्रॉस चेंजिंग हो गया इससे कोई खास फर्क पड़ेगा, क्योंकि ऐसा इतना सा कर देने से पूरे विधानसभा क्षेत्र का डीएनए ही चेंज हो जाएगा, ये संभव नहीं है। कांग्रेस 15 साल से मुस्लिम प्रत्याशी उतार रही है, लाड़पुरा में हिंदू मुस्लिम वाला खेल चलाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि पिछले दो इलेक्शंस में ऐसा चला था, लेकिन इस बार ऐसा चला नहीं है। कोशिशें बहुत की गई लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इस बार लाड़पुरा के मतदाताओं ने सामाजिक समरसता और गंगा जमनी तहजीब को सामने रखकर वोट कास्ट किया है और अच्छे नतीजे आएंगे। इस पर एक टिप्पणी, इस गंगा जमनी तहजीब पर मुझे भी बहुत मोहब्बत है, इस तहजीब से बड़ा लगाव है, मुझे ही क्यों, हमारे पूरे देश को ही है। लेकिन ये जीवित है या आत्मा इसमें से निकल चुकी है, इसका जो वो रिजल्ट है वो 11 तारीख को केशवराय पाटन और लाड़पुरा, ये दो जवाब देंगे। अगर दोनों के दोनों वहाँ राकेश बोयत जीतते हैं और यहाँ गुड्डू जी की मैडम अगर जीत जाती हैं, तो लगेगा कि कांग्रेस पार्टी का भी डीएनए यही है। जिस गंगा जमनी तहजीब की बात कर रहे हैं, ये उस पार्टी का डीएनए है। तो इसका मतलब वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और अगर ये इसके परिणाम कुछ और आते हैं तो फिर उस राष्ट्रीय पार्टी को पूरे 6 महीने का अवकाश लेकर ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, चिंतन सचमुच का करना चाहिए, चिंतन का नाटक। चिंतन तो सभी करेंगे, 12 तारीख को सभी पार्टियों के। तो मतलब गुलनाज गुड्डू का जीतना लाड़पुरा की जीत होगी? नो, यदि देखिए, लाड़पुरा से कांग्रेस की सीट आती है, केशवराय पाटन से भी कांग्रेस की सीट आती है, तो ये इस बात का प्रमाण होगा कि कांग्रेस का जो मूल डीएनए है, गंगा जमनी तहजीब, जिसकी बात भाई साहब कर रहे हैं, वो अभी जीवित है। और अगर ये नहीं, ऐसा नहीं होता है तो फिर ख्यालों में है इसको मारा किसने, इस तहजीब की हत्या किसने की, ये सबसे पहले उस खुद पार्टी को सोचना चाहिए। मतलब कि पार्टी को अपने अब डीएनए के बारे में भी विचार करना चाहिए। वो चुनाव के आंकड़े उसको 11 तारीख को दिखा दिए जाएंगे। इस बार अगर ओवरऑल हड़ौती की बात करें, पूरा जितनी भी विधानसभाएं हैं, कोटा, दक्षिण, उत्तर, किस पार्टी को लग रहा है बहुमत मिलने के चांसेस, हावी कौन है इस बार, आपसे जानना चाहूँगा निधि, आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, इस बार हड़ौती में कांग्रेस थोड़ी हावी है। कारण ये है कि सांगोद से भरत सिंह जी आ गए हैं, उत्तर से धारीवाल जी हैं, लाड़पुरा की सीट कांग्रेस के पास ही रही है, उन्होंने किसी और प्रत्याशी को नहीं उतारा, बीजेपी में ट्रांजिशन हो गए, इधर उधर हो गया। उधर से हम लोग जब बात करते हैं रामगंज मंडी की, तो वहाँ पर भी उन्होंने अपने ही पार्टी के व्यक्ति को वोट दिया है, दूसरे पार्टी के व्यक्ति को वोट नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं जो परंपरागत वोट रहे कांग्रेस के, वो बटे नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बीजेपी की बात करते, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे नहीं मालूम ये सच होगा या नहीं होगा, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो कोटा में स्पेशली लाड़पुरा की राजनीति है, उसमें बहुत बड़ा एक फेरबदल हो सकता है। युरवानी साहिबा जी 2 दिन पहले आई हैं, पर्सनली मैं उनको जानती हूँ, बहुत अच्छा व्यक्तित्व है, उनकी पर्सनैलिटी, उनका व्यवहार, उनका कल्चर, सब कुछ A1 क्लास का है। लेकिन अब जो यहाँ के परंपरागत बीजेपी के वोट रहे होंगे, कहीं ना कहीं उनमें या तो पार्टी वाले ही मना कर दें कि वोट ना दिया जाए, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट इन फ्यूचर देखने को मिल सकता है। ये मेरा पर्सनल है, मुझे नहीं मालूम ये सच होगा नहीं होगा, क्योंकि आपने कहा महारानी जी का जो विचार है, व्यवहार है, सब कुछ बहुत अच्छा है, ये कितने लोग जानते हैं, कितने लोग पर्सनली उनसे मिले होंगे, क्या लगता है आपको? नीलम मैडम की पूरी बात होने दो, वो जो कहना चाहती थी उसको पूरी करो। वही कहना चाहती हैं होंगी वो, कि वो भी कहना चाहती, यही कहना चाहती हैं अपना कि महारानी का जो नेचर है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है लाड़पुरा में उठाया गया, कि जीतने के बाद क्या मैं महारानी से आसानी से मिल पाऊंगा अपने जनप्रतिनिधि से। अपने सवालों को दोनों को मैं जवाब दे दूं। जी, जो निधि बता रही थी कि लाड़पुरा में जिसका टिकट कटा वो 15 साल तक विधायक रहे हैं, मैं समझता हूँ कि राजनीति में ये कहते हैं कि किसी को शहीद करोगे तो फिर वो भी शहीद करेगा,
जो मेरा नहीं वो किसी का नहीं, ये राजनीति का उसूल है। और अच्छी तरह जानते हैं कि दल बदल के बाद में भारतीय जनता पार्टी के किन नेताओं पे गाज गिरने वाली है और किन ने नहीं गिरने वाली है। ठीक है, यहाँ इसी या विशेषकर टिप्पणी करना चाहूँगा कि ये महाराज कुमार का युवरानी का कांग्रेस में आना, ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद ओम बिरला जी के लिए भी सबसे बड़ा नफे नुकसान का खतरा है, मतलब घाटे और लाभ का सौदा है। ये उनके भी सोचने विचारने का विषय है। कैसे आने वाले समय में सांसद जो है ना, वही तो बताएंगे। आप कुछ क्लियर करना चाहते हैं इस मैटर? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि अगर युवरानी साहिबा जी जीतती हैं तो कोटा लाड़पुरा से भवानी सिंह राजावत जी का तो पत्ता साफ कर दिया बीजेपी ने। दूसरी बात, वो जीत जाती हैं तो नेक्स्ट आगामी जो आम चुनाव होंगे, लोकसभा चुनाव होंगे, तो यहाँ से सांसद पद के लिए अब एक कैंडिडेट जो पहले कभी कांग्रेस में सांसद रह चुका है, इजराज सिंह जी, अब लोकसभा में चुनाव के लिए एमपी के दावेदार होंगे, तो कहीं ना कहीं बिरला जी के लिए भी एक खतरा उठता है। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यही लोग, बीजेपी वाले लोग ही युवरानी जी को ना जीतने दें। अच्छा, ऐसा मेरा। क्या ओम बिरला जी इतनी आसानी से इस बात पे राजी हो जाएंगे कि लोकसभा इजराज जी को दे दी जाए? नहीं, जहाँ तक जिन दो प्रत्याशियों के लिए निधि जी ने बताया है कि उनके आपस में टक्कर होगी, पर्सनली मतलब जिसको जानना कहते हैं ना, कि व्यक्तिगत रूप से उनकी मानसिकता को पढ़ लेना, मैं दोनों में से किसी को पढ़ा हुआ नहीं हूँ, इसलिए मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा कि कौन इस बात पे मानेगा कौन नहीं मानेगा। लेकिन जैसा निधि जी का अनुमान है, यदि वैसा ही होता है तो निश्चित रूप से इसका इम्पैक्ट, जैसा इस विधानसभा चुनाव में पूरे भ्रम का जो धुआं फैला पड़ा है, ऐसा फिर लोकसभा में भी भ्रम का धुआं फैलेगा। भाई सीधी सी बात, ये देख लीजिए, इस चुनाव में भवानी सिंह राजावत जी किसी भी कैंपेनिंग में युवरानी जी के साथ नहीं थे, ना ही उनके लोग जो उनके साथ हमेशा 24 घंटे खड़े रहते थे, वो कहीं उनको युवरानी साहिबा जी के कैंपेन में नजर नहीं आए। क्यों नजर नहीं आए, जबकि विधानसभा वही थी। आपसे मैं पूछना चाहूंगा, कोटा उत्तर क्या राजस्थान की सबसे हॉटेस्ट सीट में से एक है? नहीं है, वहाँ ये चर्चाएं चल रही हैं क्योंकि गृह मंत्री मैदान में है। गृह मंत्री मैदान में भी है और ये मैसेज भी है कि कोटा के उत्तर अगर चुनेंगे तो सीधे एक मंत्री को चुनेंगे, एक विधायक को नहीं चुनेंगे। है वो एक हॉट सीट है, वर्तमान में जो विधायक रहे हैं वो भी बहुत चर्चित रहे हैं पूरे 5 साल में। शांति धारीवाल जी जो हैं वो पहले पूर्व मंत्री रह चुके हैं, एक बार भी नहीं दो बार। हॉट सीट तो है। निधि का कहना है कि आम लोगों में धारणा चली गई कि अगर शांति धारीवाल चुने जाएंगे तो आप एक गृह मंत्री चुन रहे हैं, गुंजल को चुनेंगे तो आप एक विधायक को चुन रहे हैं। सीधी है तो सब समझते हैं इस बात के लिए कि तो इस बार इसी हिसाब से वोटिंग हुई है, क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वोटिंग तो मतदाताओं ने ये समझ के दी है कि हमें परिवर्तन लाना है, तो परिवर्तन के वोट हैं ये। 5 साल जो मतदाताओं ने जिस तरह अपने आप को ठगा सा महसूस किया, उसके बाद उनका फैसला सामने है। रहा सवाल कोटा उत्तर से, तो दोनों उम्मीदवार जो हैं वो अपने अपने क्षेत्र में जांबाज हैं। धारीवाल जी के साथ अनुभव है, तो गुंजल के साथ जोश है, उत्साह है और काम करने की लगन है। मैं समझता हूँ कि कोटा उत्तर के मतदाता कोई अच्छा फैसला करेंगे। कोटा दक्षिण, मैं कोटा उत्तर में ही रहता हूँ और कोटा उत्तर का मतदाता हूँ। आप बताइए, गृह मंत्री या विधायक? तो हमारे जो वोटर हैं, हमारे कोटा उत्तर के हर वोटर, वो चाहे किसी पार्टी का वोटर है, बहुत खुश है, बड़े प्रजातंत्र के नशे में हैं दोनों ही पक्ष के ही वोटर। उसकी वजह बता रहा हूं आपको, ये वो लोग ये सोचते हैं कि हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे विधानसभा क्षेत्र में निवास करते हैं कि जहां उनके द्वारा वोट दिया गया प्रत्याशी यदि जीत जाता है वो विकास करेगा, तो भी वो खुश है। और यदि जो दो मेन बीजेपी और कांग्रेस के जो कंटेस्टेंट हैं और उनका प्रत्याशी यदि हार भी जाता है तो भी, वजह क्या है कि दोनों के दोनों इतने दमदार हैं कि वो हारा हुआ आदमी भी उस पद पे सत्ता में वाले से ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा।
क्योंकि विपक्ष भी बहुत दमदार होना चाहिए, ये किसी भी प्रजातंत्र के हित में रहता है। आगे बढ़ा रहा हूं। तो हमारे उत्तर के लोग ये सोच के बैठे हैं कि अपना वोट जिसको भी जाए, वो जीते तब भी शेर है, हारे तब भी शेर है, क्योंकि दोनों शेर हैं। शेर शेर मंत्री विधायक की बात करी, मैं आप ही से सवाल करता हूँ। सरकार बीजेपी की बनती है तो प्रहलाद भी मंत्री बनेंगे, कांग्रेस की बनती है तो धारीवाल जी का मंत्री बनना सुनिश्चित है, क्योंकि सरकार के महत्वपूर्ण मंत्री रहे हैं। नहीं, प्रहलाद गुंजल के मंत्री बनने के संकेत ऐसे अभी तक मिले नहीं, धारीवाल पहले भी रह चुके हैं तो उन्हें दिया जाएगा मंत्रालय, संभावित है ऐसा? प्रहलाद पिछली बार ही मंत्री बनते बनते रह गए, विधायकों की लड़ाई नहीं होती तो उसको मंत्री पद मिल गया होता। लड़ाइयों के चक्कर में जो है, मतलब कि कोटा की 6 विधानसभाओं से एक भी मंत्री नहीं बना, ये विधायकों की लड़ाई थी इसके कारण उनका मंत्री पद चला गया, वरना वो पिछली बार में मंत्री बनते। तो इस बार अगर मैं समझता हूँ सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती है तो प्रहलाद गुंजल मंत्री अवश्य बनेंगे, और कांग्रेस की सरकार बनती है तो धारीवाल जी को मंत्री बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। अच्छा, आप दक्षिण पे एक सवाल, दक्षिण पे आज भी कहा जाता है कि अभी भी चुनाव ओम बिरला जी के चेहरे पे लड़े जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। क्यों लगता है आपको ये बात? इसलिए कि ओम बिरला जी इस सीट को अपनी परंपरागत सीट समझते हैं, अपना गढ़ समझते हैं। अब तो वो पूरे लोकसभा के हैं। हाँ, लेकिन पहचान तो कोटा दक्षिण ने दिलाई है उनको। कोटा दक्षिण से अगर विधायक नहीं बनते तो सांसद कैसे बनते? तो आज भी उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाना सही है? नहीं, ये आप सैद्धांतिक बात पूछें तो फिर मेरा इसमें यह कहना है कि किसी के भी चेहरे को किसी पूरे पार्टी का या किसी मिशन का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए, किसी का भी चेहरा हो, क्योंकि चेहरे तो बदलते रहते हैं। मिशन होना चाहिए, आपका सिद्धांत होना चाहिए, आपकी कोई वजह होनी चाहिए, वो वजह आपकी हो या आपकी हो किसी की भी हो, क्योंकि एक व्यक्ति के को पूरे मिशन को पूरे राजनीतिक दल को गिरवे रखना उचित नहीं है। कोटा दक्षिण में एक विशेष टिप्पणी करूँगा, बताइए। जैसा मुझे चर्चाओं से पता चला या राजनीतिक सूत्रों से पता चला कि सांसद ओम जी बिरला खुद दावेदार थे दक्षिण विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन पार्टी सुप्रीमो अमित शाह ने कहा कि भाई ये उपचुनाव जीत के आया है, MLA भी रहा है, इसमें क्या कांटे फंस गए, क्यों को टिकट नहीं मिलना चाहिए इसका? तो इसलिए उनको पार्टी ने टिकट दिया, उनका चुनाव लड़ रहा है। ये शायद ओम जी को शुरुआत में अच्छा नहीं लगा, उसके बाद में पार्टी का बहुत भारी दबाव, उनको सेव किया जाने लगा। प्रचार में कैसे सक्रियता रही उनकी? जो अपने आप की अपने आप चुनाव में सक्रियता रहती है, वो संदीप शर्मा के चुनाव में सक्रियता नजर नहीं आई। उपचुनावों में बहुत सक्रिय, इसलिए एक सवाल खड़ा होता है कि सांसद ओम बिरला ने ईमानदारी से संदीप शर्मा का काम नहीं किया, संदीप शर्मा के प्रचार में नहीं लगे उस तरीके से। हाँ, उपचुनावों की बात कह रही थी आप। जी, उपचुनावों में संदीप जी को कोई जानता नहीं था, सिर्फ सब लोग ओम बिरला जी को जानते थे। ओम बिरला जी ने इतनी ताकत लगाई थी संदीप जी को जिताने के लिए कि लग ही नहीं रहा था कि संदीप जी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इन चुनावों में लगा कि संदीप जी अकेले रह गए हैं। ओम बिरला जी के साथ में जो भी उनके दाएं बाएं हाथ जो भी कहलाते हैं, उनमें से कोई भी संदीप जी के प्रचार प्रसार में नहीं दिखे। तो कहीं ना कहीं लोगों में ऐसा लगने लगा कि क्योंकि इस सीट के खुद वो दावेदार थे, इसलिए ओम बिरला जी पूरे दिल से इनके साथ नहीं लगे। पार्टी का दबाव रहा, इसलिए बाद में थोड़ा बहुत प्रचार में रहे। मैंने देखा था कि अनंतपुरा में वो गए थे उनके साथ प्रचार के लिए, जब आमिन पठान जी आए हुए थे कोटा। तो जो 100% सपोर्ट था वो ओम बिरला जी का संदीप जी को नहीं मिला। ओम बिरला जी के ही समर्थक, ओम बिरला जी के ही जो कट्टर समर्थक थे, वही उनका विरोध कर रहे थे टिकट डिक्लेयर होने के बाद। उनमें से एक ने तो नॉमिनेशन डाल दिया, चुनाव भी लड़ा है। तो ऐसा क्यों हुआ? अगर ओम बिरला जी चाहते तो अगले को बिठा सकते थे। वसुंधरा जी ने बिठाया ना भवानी सिंह राजावत जी को, तो क्या ओम बिरला जी अपने समर्थकों को नहीं बिठा सकते थे? लेकिन ऐसा क्यों हुआ? जनता सब जानती है 11 तारीख को सब चुनावों के परिणाम आ जाएंगे। और सीधी सी बात है कि आज से चार साल पहले जब दिल्ली में लोगों के पास विकल्प नहीं बचा, पढ़े लिखे युवाओं के पास जब विकल्प नहीं बचा और एक विकल्प बनकर अरविंद केजरीवाल जी सामने आए, 70 में से 67 सीट अरविंद केजरीवाल जी नॉकआउट ले गए, सारी पार्टियां धरी रह गई। जो 3 सीटें दूसरी पार्टी ने, वो भी एक एक खाते में आई थी, ऐसा नहीं था कि तीनों बीजेपी के खाते में, कांग्रेस के खाते में। बड़ा आश्चर्य था।
सर एक सवाल पूछना चाहूँगा, लालपुरा में इस बार आम आदमी पार्टी क्या प्रभाव डालने वाली है, क्योंकि वहाँ का कैंडिडेट भी थे एक साल से कंटिन्यूसली प्रचार कर रहा है, क्या लगता है आपको त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है? नहीं, मैं इसमें बिलीव नहीं करता, विश्वास नहीं करता त्रिकोण मुकाबले के, मैं कभी भी मोहर नहीं लगाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि उसकी मेहनत से माहौल कुछ बना है, लेकिन माहौल मत वोटों में कितना तब्दील हो पाता है ये तो 11 तारीख को ही पता लगेगा, लेकिन उसने जो एम पी चौधरी ने मेहनत की है उसकी मेहनत को तो दाद देनी ही पड़ेगी। लाडपुरा के संदर्भ में एक चीज़ और कहूँगा कि बार बार वहाँ ये कहा गया कि साहब दो बार हरा हुआ प्रत्याशी है, ठीक है, लेकिन दो बार हरा हुआ प्रत्याशी है तो हमें जमीनी तौर पर देखना पड़ेगा, राजनीति एनालिसिस के तौर पर, कि भाई दो बार क्यों हरा? एक मुस्लिम चेहरा होकर नईमुद्दीन गुड्डू 56,000-57,000 वोट लेके आता है, जबकि वहाँ उस लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र में 22,000-27,000 मुस्लिम मतदाता है। इसलिए इस बात को सिरे से खारिज किया जाना चाहिए कि नईमुद्दीन गुड्डू एक मुस्लिम चेहरा है, हिंदू मुस्लिम देख के वोट, हिंदू मुस्लिम देख के, ठीक है, मुस्लिम चेहरा होते तो उनको 22,000 वोट मिल जाते, 58,000 वोट नहीं मिलते, एक बार 700 वोटों से आ रहे हैं, दूसरे वोटों से ही आ रहे हैं, तो मैं उन चीज़ों में बिलीव नहीं करता, उस चीज़ के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ कांग्रेस आ रही है, गुड्डू नहीं हारा है। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल, समय हमारे पास बहुत कम है आपसे, थर्ड फ्रंट राजस्थान में हमारा कितना मजबूत है? आम आदमी पार्टी लाडपुरा की बात हुई, क्योंकि वो कैंडिडेट एक साल से लगातार उस क्षेत्र में काम कर रहे थे, तो अभी भी थर्ड फ्रंट हमारे बीच मजबूत नहीं हो पाया, कोई तीसरी पार्टी हमें विकल्प नहीं मिल पाया। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, तीसरा विकल्प अभी राजस्थान में घुटने घुटने चल रहा है, अभी उसको पैर चलने में थोड़ा समय लगेगा। एमपी चतर साहब लाडपुरा का जो आप उदाहरण दे रहे हैं वो अभी घुटने चलने की स्थिति है, क्योंकि 200 विधानसभा सीटें हैं, 200 में से कम आधे में खड़े हो जाएं तो हम ये उस दिन मानेंगे तीसरा विकल्प आ रहा है, अदरवाइज अभी शैशव अवस्था में। एक सवाल सर मेरा आपसे है, जब सरकारें बनती हैं तो देखने में आता है कि साल दो साल तक काम ढीला चलता है, तो जनता का इस पे क्या मत होता है कि अपने हिसाब से अधिकारी सेट किए जाते हैं, विभाग में अपने अधिकारी बिठाए जाते हैं, ट्रेजरी डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में आप अधिकारी रहे हैं, तो आप इस मामले में क्या कहेंगे, कितनी सही है ये बात जो जनता में चर्चा होती है? जिसकी जनता में चर्चा बिल्कुल जायज होती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और हर राजनीतिक दल जो भी सत्ता में आता है उसका ये प्रयास होता है कि उसके विश्वास की जो मशीनरी है, और मेरा एक बड़ा स्ट्रांग पॉइंट और है इस पर, आपने बहुत प्रासंगिक सवाल पूछा है कि इसमें कुछ गलत भी नहीं है, किस तरह की गलत नहीं है, क्योंकि देखिए जो सत्ता में आ गया, जिसको राज चलाना है, व्यवस्था देखनी है, जिसके ऊपर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी आ चुकी है, उसको पब्लिक सर्विसेज डिलीवर करने के लिए जो मशीनरी है, जिसको आप ब्यूरोक्रेसी कह रहे हैं, अधिकारी लगाना कह रहे हैं, वो मशीनरी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, उसका चयन बहुत कुशलता के साथ किया जाना चाहिए। इस पे मेरा व्यक्तिगत एक बड़ा स्ट्रांग ओपिनियन मैं बता रहा हूँ कि 2014 में जब ये देश प्रधानमंत्री बना रहा था, उस समय इस पूरे देश ने जो सपने देखे थे, जो सपने दिखाए गए थे, जो सपने देखे थे, वो सपने यदि अधूरे रहे तो इसलिए नहीं रहे कि वो योजनाएं गलत थी या प्लानिंग गलत थी, वो इसलिए रहे कि उसकी मशीनरी खराब थी, न तो मशीनरी उन योजनाओं को समझ पाई, न वो मौके पे लाग पाई। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि जो आदमी सत्ता में आता है वो ऑपरेटर होता है, और उस वो प्रोडक्शन बहुत सही दे पाए उसके लिए उसकी मशीन का बहुत अच्छा सही होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन मशीन ही खराब है तो कितना ही बढ़िया ऑपरेटर प्रोडक्शन नहीं दे पाएगा। तो पहले वाले मैं यहाँ टिप्पणी करना चाहूँगा कि 2013 और 2014 के इलेक्शन हुए, 13 में जनता ने बम्पर मेजोरिटी के साथ में राजस्थान में सरकार बनाई, इस उम्मीदों से, इन सपनों से कि अब बहुत बड़ा तेजी से विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेंगे, उन्हें जाने क्या क्या सपने उस वक्त मतदाताओं ने देखे, लेकिन सरकार बनने के 2 महीने बाद ही महारानी जी, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्रीमती वसुंधरा राजे, वो अफसरशाही में नौकरशाही में इस तरह घिर गई कि पार्टी की जो नीतियां और पार्टी के जो सिद्धांत या यो कहो कि सरकार की विकासकारी कल्याणकारी घोषणाएं थी, जो जनता से वादे थे वो चैम्बर की राजनीति में
आईएएस और आईपीएस की जो है वो चैम्बर की राजनीति होती है, उन्हीं में दम घुटते हुए रहे। आखिरी टाइम पर मुख्यमंत्री जी को याद आई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो ये अलग अलग तरीके के नाम, नए नए नाम और उनके साथ योजनाएं जोड़ जोड़ के लाई जाती हैं। मैं एक इस पर विशेष कर कहूँगा, सांसद दुष्यंत सिंह ने झालावाड़ में अभी ढाई तीन महीने पहले ही, जहाँ वो 400-500 दिन की यात्राएं करते थे, 200 दिन की यात्राएं की, इसलिए की कि मेरे एक मित्र मेरे जो मित्र हैं जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने उनको एडवाइस किया कि सर ये क्या हो रहा है, ऐसे तो अपन जीत नहीं पाएंगे। उनको सलाह दी इस बात के लिए कि आप जाएं तो वहाँ सांसद आपके द्वार कार्यक्रम चला, जिसमें अफसरों के सामने, जनता के सामने क्या तो सरकार की घोषणाएं हैं वो बताई गई, लेकिन वो एक अच्छा प्रोग्राम था। शायद हो सकता है राजस्थान में अगर वो प्रोग्राम किया जाता है, भारतीय जनता पार्टी को अच्छे नतीजे मिल सकते थे। सांसद आपके द्वार लेकिन वो सांसद आपके द्वार सिर्फ झालावाड़ में चल के रह गया और अन्य जिलों में नहीं चल पाया, अन्य संसदीय क्षेत्रों में नहीं चल पाया। तो लोग जनता को उस कल्याणकारी योजनाओं का अखबार में, मीडिया पे, दुनिया में ये रहा, लेकिन जमीनी तौर पर उन योजनाओं का लाभ जनता को नहीं मिला। सर मैं आपसे उसी सवाल पे लौटूंगा, आप अधिकारी रहे हैं, आज बीजेपी की सरकार है, आपको सेटल किया गया कि आप इस पोस्ट पे रहेंगे, कल आप कांग्रेस के लिए खराब कैसे हो जाते हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है कि आपको चेंज कर दिया जाएगा, नहीं आप, आपकी जगह दूसरा बिठा दिया जाएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यदि जब आप केवल उस उदाहरण की बात कर रहे हैं जिसमें सत्ता बदलते ही अधिकारियों को बदला जाता, लेकिन मेरे पास ऐसे उदाहरण भी हैं कि जब सत्ता बदलने के बाद में कुछ अधिकारियों को नहीं बदला जाता, और इसीलिए उन अधिकारियों के लिए कहा जाता कि ये तो बड़ा स्टार आदमी निकला यार, उधर भी लड्डू इधर भी लड्डू, ऐसे ब्यूरोक्रेसी में ऐसे हीरोज की चर्चाएं होती हैं। मैं बीच में थोड़ा सा कहूंगा कि अधिकारी ब्यूरोक्रेसी में, ब्यूरोक्रेट में ऐसे अधिकारी हैं जो सत्ता के साथ चलते हैं, देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है तो उसी लीडरशिप में और उसी चीफ मिनिस्टर जो बनता है वो उसी के ख्यालों के, उसी के विचार के मुताबिक अपने आप को ढाल लेते हैं, नहीं ढाल लेते हैं अपने आप को, वो सत्ता के साथ चलने वाले अधिकारी होते हैं तो वो सब दूर एक नल्ट होता है, स्क्रू जो कहीं भी लग जाता है। तो वैसे ही कुछ बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं, या अधिकारियों में एक वर्ग बड़ा इसका है, वो सत्ता के साथ रह जाता है। मैं सर की बात को, इस बात को जाहिर करता हूँ कि सभी ऐसे नहीं होते हैं। सर अधिकारियों पे सवाल उठ रहा है कि अपने हिसाब से सरकार के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं कि अब तो कांग्रेस की सरकार आ गई, उनकी तरफ आप झुकने लग जाओ। आपकी बात में सच्चाई भी बहुत है, मैं मानता हूँ, लेकिन लोकतंत्र में लोक सेवक को लोक सेवा पर ही केंद्रित रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात, ठीक है। और जो इस पर रहता है वो फिर सत्ता बदलने पर बदला भी नहीं जाता है, क्योंकि उसकी यूटिलिटी, कोई राजनीतिक दल सत्ता में आए उसकी उपयोगिता समझ लेता है। और मैं सभी राजनीतिक दलों को यह संदेश देना चाहूंगा कि उनको यह समझने की कला विकसित करनी चाहिए कि किस लोक सेवक में क्या क्षमता है। ये चापलूसों को जब टीम में भर्ती कर लेते हैं तब सारे अरमानों पर पानी फिरता है, तब जनता थू करती है, त्राहिमा मचाती है, और अल्टीमेटली उसका परिणाम, उसका दंड उस राजनीतिक दल को भुगतना पड़ता है। तो नहीं पहुंचती। यस, तो इसलिए मशीनरी बहुत अच्छी रहे, उसके लिए जो सिलेक्शन है चाहे वो, और ऐसा मैंने देखा है कि किसी भी राजनीतिक दल की सत्ता हो उसके टाइम पर जो लोग कुशल हैं उनकी कुशलता का लाभ अगला राजनीतिक दल जो भिन्न विपक्ष में था वो सत्ता में आ गया उनको भी उठाना चाहिए, यदि उसमें गुण है तो, न कि उसको किसी राजनीतिक दल का गुलाम मानकर और सत्ता बदलते ही बाहर करना चाहिए। कांग्रेस की सरकार बनती है तो सचिन पायलट या अशोक गहलोत? एक राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर, एक जर्नलिस्ट के तौर पर मैं कहूंगा कि अगर दोनों दलों के बीच कुछ सीटों का फासला रहता है तो जिन्हें जादूगर कहा जाता है वो मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हो सकते हैं, जिनका नाम है मिस्टर अशोक गहलोत। आप? इनकी बात से मैं सहमत हूँ। आप सहमत? निधि, आप? जी अशोक गहलोत, उनके जैसा मुख्यमंत्री भारत के इतिहास में नहीं रहा जिनके ऊपर आज तक एक दाग नहीं लगा हुआ। बहुत अच्छे, बहुत सुलझे हुए व्यक्तित्व के इंसान है। तो मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा, पूरी बात को कम्प्लीट करूंगा कि
अगर कांग्रेस बम्पर में स्पष्ट बहुमत के साथ आती है, अच्छी मेजोरिटी के साथ आती है, तो फिर सचिन पायलट मुख्यमंत्री होंगे। सचिन पायलट मुख्यमंत्री होंगे या अशोक गहलोत, ये हमें 11 तारीख के कुछ दिनों बाद पता चलेगा। अगर कांग्रेस की बहुमत आती है और अगर बीजेपी की सरकार आती है तो बीजेपी ने अपना सीएम फेस घोषित कर ही रखा है। मीडिया हाउस राजस्थान ने ये चर्चा की थी कि आपके मन में जो भी राजनीतिक भ्रांतियां हैं वो कहीं ना कहीं क्लियर हो सके। आप मतदान को लेकर, मतदाता को लेकर, आपकी हुई वोटिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा भ्रमित थे, तो मीडिया हाउस राजस्थान ने एक छोटा सा प्रयास किया कि इन सभी शंकाओं को दूर किया जाए। हमारे सभी एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हमारे एक्सपर्ट उसका जवाब दे। अगले जब हम सेशन में हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ आएंगे तो उन सवालों को टैकल करने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपके वो सवाल हम जवाब दें और आपके मन की शंका मिटाएं। तब तक देखते रहिए मीडिया हाउस राजस्थान। अपने दोस्तों को ये डिबेट दिखाइए, उन दोस्तों को कहिए कि वो अपने दोस्तों को दिखाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसे देखने से आपके अंदर थोड़ी बहुत राजनीतिक समझ बढ़ेगी। धन्यवाद।